हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है थर्सडे एंड आज व्लॉग मैं कर रहा हूँ। बोगेम्बो खुश हो। आज थोड़ा रुचि को रेस्ट देते। शी इज ऐसे भी वो हफ्ते भर रेस्टिंग कर रही थी। लेकिन ठीक है, आज एक और दिन देते। आज मैंने ही बोला था कि चलो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जस्ट फॉर अ डे। जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। सो अभी बज रहे हैं अराउंड 8। वैसे तो ज़्यादा टाइम दिखा रहा है लेकिन घड़ी आ गया अल्टीमेट मौसम हो रखा है आफ्टर निसर्ग साइक्लोन पास्ड अवे फ्रॉम मुंबई। गुड मॉर्निंग। और अभी विक्की ने आज व्लॉग स्टार्ट किया है, तो आज का जो व्लॉग है वो मोस्टली विक्की कंटिन्यू करेगा। और मैंने ये अपने यहाँ पर बहुत बढ़िया पेंट लगा लिया है। मतलब ऐसा कोई टॉप नहीं होगा अगर मैं पेंट कर रही हूँ कि मैं वो पेंट में पेंट ना लगाऊं। और मैं इसलिए सुबह उठी हूँ क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आ रही थी। 8 बजे ही उठ गई मैं, 8:15 बजे, एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया एंड देन उसके बाद अभी इतनी तेज़ आंधी आ रही थी। जो कल नहीं आई ना वो आज आ रही है और बहुत तेज़ बारिश है। मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने कल एक भी विंडो बंद नहीं करी थी अपने घर की। हमने सोचा जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तब बंद कर देंगे, तो आज बेडरूम की विंडो बंद है, यहाँ की पूरी विंडो बंद है और साए हवा आ रही है एंड लाइट फ्लक्चुएट कर रही है आज। तो अभी आज तो पानी भी स्टोर करके नहीं रखा है। सीरियस गाइस, सो अभी मतलब भी अच्छी खासी बारिश और मेरा भी वर्कआउट थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है। सीढ़ियों से ऊपर नीचे का और थोड़ी बहुत बेसिक एक्सरसाइज करूँगा, ज़्यादा नहीं करता आज, है ना। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा उठ गया और बच्चा उठने के बाद क्या करता है मालूम है ना, दूसरों को परेशान करता है। देखो क्या हुआ? ये अभी जो हंस खेल करके दिखा रही है थोड़ी देर पहले चिल्ला रही थी। बताओ क्या कर रहे थे जो चिल्ला रही थी मैं सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रहा था तब ये चिल्ला रही थी। नहीं, मैं इसलिए चिल्ला रही थी। ये सुबह उठने के बाद ना इसके नराले ये निराले सुबह उठने के बाद फोकट की नौटंकी रहती है अलग टाइप की। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए चिल्ला रही थी, पूरा घर खुला हुआ है, अंदर कचरा आ गया है घर के अंदर और इतनी तेज आंधी चल रही है और विक्की गेट वेट खोल के बाहर घूम रहा है। सफाई तो की, देखो नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये झाड़ू अब मेरे को लगाना पड़ रहा है। ड्यूटी नहीं स्किप करने का, स्वैप भी बिल्कुल नहीं करने का। अगर हस्बैंड की ड्यूटी झाड़ू लगाने की तो उसको झाड़ू लगाने, तो अपन नहीं लगाने का। अगर उसकी पोछा लगाने की तो अपन नहीं लगाने का। सामने वाले को अपने हिसाब से बिल्कुल इक्वल इक्वल करके ड्यूटीज दे दो, दूसरे की ड्यूटी बिल्कुल नहीं निभाने का, प्लस कोई जेनरली भी मानना हो। कल एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ जितना फोरकास्ट था। आज इनफैक्ट बहुत अच्छी वाली सुबह से बारिश हो रही है और लेट्स सी आगे क्या चलता है। मौसम वैसे मतलब जो साइक्लोन है वो तो ये दिखा रहा है कि नासिक के ऊपर चल रहा, मतलब नासिक के भी आगे पहुँच गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है उसकी स्पीड। मतलब अराउंड बहुत कम हो गई है, 40-30 ऐसी बची है बस। तो इट्स नॉट इवन अ साइक्लोन एनीमोर। होने वाले हैं स्नो और मार्केट शुरू होने वाला है। तो अभी दूध गर्म कर रहे हैं
एंड उसके बाद चाय बनेगी। मैं उबले हुए दूध की चाय पीना पसंद करता हूँ। रुचि ऑन दी अदर हैंड उसको चाय चलती है क्योंकि वो चाय के साथ टोस्ट खाती है। चाय 11 बजे तक मैं काम करना शुरू करूँगा ऑफिस का, तो तब तक ही जो भी मेरा शेड्यूल है मैं वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। डेली नहीं पीता हूँ, कभी कभी चाय पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी दूध से ही काम चला लो, या फिर कभी एलोवेरा का जूस, कभी किसी चीज़ का जूस वगैरह चलता है। इसलिए भी चाय ज़रूर मतलब डेली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे गैस एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। सो मेरा नहा धोना सब काम फिनिश हो चुके हैं, पोछा भी लग गया है अच्छे तरीके से, मस्त बिल्कुल घर फ्रेश फ्रेश लग रहा है। बाहर मौसम एकदम ज़बरदस्त है। घर में नियम है कि नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करने का, इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि डर से पूजा करो, पॉजिटिव रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और उन एडवांटेजेस में एक ये भी चीज़ है कि आप जब सही काम करोगे तो आप खुश भी रहोगे एंड एवरीथिंग अराउंड यू विल बी हैप्पी। एंड पॉजिटिव रहने के लिए दिमाग शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने से आपका दिमाग ना थोड़ा शांत रहता है, इसलिए ये हमारा है कि हम लोग पूजा करते हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 11, मेरा ऑफिस का टाइम शुरू हो चुका है तो मैं अब बैठने वाला हूँ काम पे। हाँ तो अब आती है मेरी सेकंड टास्क की, वो है सब्जी काट के देना। इनका थर्ड टास्क रहेगा खाना बनाने का। मेरा फर्स्ट टास्क क्या था? हाँ सॉरी, मेरा थर्ड टास्क रहेगा सब्जी काटना, इनका फर्स्ट टास्क अभी शुरू होने वाला है। झाड़ू किसने लगाई थी? तो सेकंड। एडिटिंग किसने करी? तो एडिटिंग आपका काम है, नहीं, मेरा नहीं, अच्छा, है। एक्सक्यूज मी, ब्लैंकेट किसने घड़ी करे? मैंने। तो मेरा ये थर्ड टास्क है, विक्की का भी थर्ड टास्क है, मेरा भी थर्ड टास्क है। वो तो आज जल्दी उठ गई है इसके लिए, नहीं तो ये जाने थे 12 बजे तक हो ही नहीं रहता मैडम को। एक तो सुबह से अमेज़न के कॉल्स आते रहते हैं, काम की एक चीज नहीं आएगी टाइम पे, पेमेंट है ना मेरी, पेमेंट काम की चीज नहीं डिलीवर होती टाइम पे, हैं फालतू की सारी चीजें डिलीवर हो जाती हैं। मेकअप ब्रशेस आ रहे हैं, झूठे मेकअप ब्रशेस नहीं लेती मैं, मेरी बीवी के सिर्फ दो काम है, एक YouTube देखो विशलिस्ट में ऐड करो बस, करोड़ों की विशलिस्ट है इसकी, करोड़ों की, जिन वेबसाइट के नाम तक नहीं सुने ना मैंने उनकी विशलिस्ट है। जिस शार ले लिया है, जैसे कि विक्की ने आपको बताया था कि मैं नीचे गई थी पार्सल लेने, तो वो जो पार्सल है वो मेरे से पूरा टच हो गया था, मतलब मेरी पूरी बॉडी से टच हो गया था, बड़ा पार्सल था तो मैं ऐसे पकड़ के लेकर के आई थी, तो मैंने डायरेक्टली शार ले लिया है। और बहुत दिनों के बाद आज मैंने एकदम ऐसे फुल नीचे बॉटम्स पहने हुए हैं क्योंकि मुंबई में अभी गर्मी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा है, तो अब मुझे ये इस तरह के लॉन्ग बॉटम्स पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली समर्स में लगती है और इसलिए मैं किचन में भी आराम से कुक कर पा रही हूँ इतना लेट भी, क्योंकि शायद लेने के बाद भी कुक कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने वाली है। तो आज हम लोग बना रहे हैं प्रॉपर रोटी और गोभी, आलू और प्याज की सब्जी एंड दाल और चावल बनने वाला है एंड साथ में थोड़ा सा रायता, बस ये हम लोगों का आज खाना है क्योंकि 2 दिन से हम लोगों ने रोटी नहीं खाई है।
यहाँ ज़मीन पे इसलिए नहीं लेटा है कि मेरी वजह से या फिर कुछ हो गया या गिर गई, नहीं, ये मेरे को डराने आ रही थी यहाँ पर। और विक्की डर भी गया है। ये इंसान ना किचन से रेंगते हुए आई है यहाँ पर मेरे को डराने के लिए। रेंगते हुए नहीं आई हूँ, ये देखो मैं रेंगते हुए नहीं आई हूँ, मैं ना यहाँ पर बैठ गई थी, ये इतना मग्न था अपने काम करने में कि मैं धीरे से यहाँ पर आके बैठी और मैंने पैर ऐसे किया। तो ये है हम लोगों का लंच, ये है दाल, ये है ये कौन सा चूड़ा है, साउथ इंडियन चूड़ा है ये गोभी की सब्जी, देन ये लौंजी, उसके बाद ये है पापड़ और चावल। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं डायरेक्ट, अब मैं आपसे मिल रहा हूँ 7:30 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरा ऑफिस का लगभग काम ख़त्म हो गया है। जो लड़कियाँ सोचती हैं ना कि रुचि हमेशा पॉजिटिव रहती है, बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, लेकिन समटाइम्स लाइफ में आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स जिसमें इंसान का ब्रेकडाउन होता ही होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बिजी था तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, तो मैंने उससे बात करी तो उसने ये बोला कि यार सेकेंड वेव इतनी ख़तरनाक आएगी कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जो पहले लॉकडाउन था विद रिलैक्सेशन वैसा कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रुचि ने सुनी, शी टॉक टू हर ओन फ्रेंड, उसने और ज़्यादा डरा दिया। तो अभी चलते हैं, इनको थोड़ा मनाते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो बेटा? चिल मार रही हूँ। कौन सी चिल मार रही हो? अपनी दुनिया की चिल मार रही हूँ। क्या चिल मार रही हो? क्या बोला आपके दोस्त ने? सेकंड वेव 20 टाइम ज्यादा खतरनाक रहेगी। Hey guys, so now I'm feeling better. मैं पहले भी बेटर ही फीलिंग कर रही थी, बट मैं थोड़ा सा, मेरे को ना एंजाइटीज और ओवर थिंकिंग ने ऐसे दिमाग पकड़ लिया था मेरा। और क्या, और आज मैंने एक और अपने फ्रेंड से बात करी, थोड़ी पॉजिटिविटी लेने के लिए बात करी मैंने, बट उसने जो मुझे ग्राउंड रियलिटीज बताई है, और आज ही वो जो चीजें मुझे बोल रहा था ना, तो वो सुन के मैं एकदम से डर गई। और ये मैंने भी पढ़ रखा है, जितने भी मैंने पैंडेमिक्स पढ़े हैं, कि जो भी सेकेंड वेव आती है जबी भी, तो मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगी कि अगर शॉप्स खुलती हैं और मार्केट खुलता है तो एकदम भीड़ मत लगाना, क्योंकि अब जो सेकेंड वेव आएगी ना वो लिटरली गंदी आएगी। गवर्नमेंट भी अभी चेक कर रही है, पता है 7-8 दिन ये जो खोला है मार्केट ना, ये लोग चेक कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं की जाती है फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि पैनिक अटैक्स होते हैं। जैसे मैं खुद भी एक ज़रा सा चीज़ मुझे पता चलती है तो मैं थोड़ी सी तो एंजाइटी में चली जाती हूँ यार। मेरे पापा डेली ऑफिस जा रहे हैं, मुझे टेंशन होती है उनकी, डेली तो पूछती रहती हूँ आपने सैनिटाइज किया ही नहीं, बिकॉज ही इज इन टू पुलिस एंड ऑल। तो वही, मतलब मुझे पता है कि जिनकी फैमिली मेम्बर्स के लोग बाहर निकलते होंगे काम को लेकर के, उनको क्या एंजाइटी फील होती होगी। तो वो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि सेकेंड वेव भगवान जैसे प्रे कर सकते हैं कि वो गंदी ना आए। तो वो एंजाइटी मेरे अंदर बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी कि ये बहुत नेगेटिव हो रहा है ना सब कुछ, तो वैसा। चलो व्लॉग एंड कर देते हैं, 10 बज गई है रात को, इस तरह क्या दिखा पाओगे और। टोटल मिला के सुबह 11 बजे तक व्लॉग किया और रात को 8 बजे से शुरू किया। नहीं, फर्स्ट किया था ना, डिलीट हो गया, उसको आपने बहुत दिल से किया था। हां, 32 GB निपटाया था पूरा। देखा, आज काम भी बहुत ज्यादा था इसके लिए नहीं कर पाया, मतलब मैं उस ब्लॉग में थी ही नहीं। वो पूरा एंड टू एंड विक्की ने किया था, इसमें तो मैं भी बहुत सारी बार आई हूँ बीच में। हाँ। तो वैसा, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है, देखिए आप हंसता खेलता चेहरा वापस, घर पे बात भी हो गई है, पॉजिटिविटी घर वालों ने नॉर्मल हो गई है। और मैं इनके साथ साथ आप सभी लोगों को भी एक चीज कहना चाहूँगा कि अपन सब ने एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ये है कि हम सब ने बचपन में प्लस और माइनस का रूल पढ़ा है। माइनस ना प्लस को भी माइनस करवा देता है, मतलब अगर किसी इक्वेशन में माइनस आ जाए ना तो वो उसके कंसेक्यूटिव प्लस को भी माइनस में कन्वर्ट कर देता है, एट द एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। इन शॉर्ट, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो,
बी प्रिपेयर्ड। वो ऐसा हो गया कि मैंने एक इंसान का नेगेटिविटी को कम करने के लिए मैंने सोचा मैं दूसरे को कॉल लगाती हूँ, दूसरे ने और डबल दे दी, दूसरे ने भी नेगेटिविटी दे दी, फिर मैंने सोचा चलो इसको हटा के मैं तीसरे को कॉल लगाती हूँ, तो तीसरे ने भी मुझे नेगेटिविटी दे दी। तो आप समझ रहे हो अभी एट दिस मोमेंट अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है इसमें मैं, या हो सकता है मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं और नेगेटिविटी या नेगेटिव न्यूज झेल सकूँ, तो वो दिमाग में इम्पैक्ट पड़ जाती है, मतलब उसको मैं लाइटली नहीं ले पाती कि अरे चलो छोड़ो ना वैसा वाला, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, और जो लोग भी ये सोच पूछेंगे कि भैया नेगेटिविटी अपने अंदर कैसा ना आने दें, तो लेट मी टेल यू, खाली दिमाग शैतान का घर, अपने आप को बिजी रखो, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी अपने दिमाग में, कुछ ना कुछ काम करते रहो, भले ही छोटे से छोटा काम, जैसे कि डब्बे साफ कर लो किचन के, जैसे क्लीनिंग कर लो। क्योंकि मैं जब भी जैसे मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है प्लांट्स को इधर से उधर से इधर देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है, तो वैसे कर लेती हूँ मैं, अगर कुछ DIY करने लग जाती हूँ या क्लीनिंग करने लग जाती हूँ, घर चमका देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से क्या होता है कि प्रॉब्लम जो नहीं आई है उसको अज्यूम करके जो हम बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं वो टल जाती है। ठीक है, व्हाटएवर, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है आज, ब्लॉगिंग तो नहीं हुई लेकिन थक ज़्यादा गया हूँ, तो इसके लिए एंजॉय करो, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, विक्की के लिए लाइक जरूर करना, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू रुचि स्टाइल कॉर्नर। ठीक है, इनका चैनल है, मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग किया है, फर्स्ट टाइम नहीं आते रहते हो, फर्स्ट टाइम मैंने इस पूरा ब्लॉग किया, मतलब जो भी है समझ जाए, चैनल का प्रोडक्शन प्रोड्यूस आप ही ने करवाया ना स्टार्टिंग में। मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, यही राइटर है, यही सिंगर है, यही डांसर है, बाकी सब काम यही है। हाँ, बाकी सब काम, तो चलो हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।